किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल से नवरात्रि आरंभ होने जा रहा है और इसी के साथ रबी का मौसम भी। जैसे आप सभी ने खरीफ की अच्छी पैदावार प्राप्त की, वैसे ही रबी के मौसम में आप कैसे पीछे रह सकते हैं। किसान भाइयों, मौसम बदलता है और बदलते मौसम के साथ साथ हमें अपने कृषि कार्यों में भी बदलाव लाने पड़ते हैं। अब जो कि शीतकालीन ऋतु यानी सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और ये मौसम कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि सब्जियों का राजा भी माना जाता है, क्योंकि इस मौसम में ढेर सारी सब्जियां उगाई जाती हैं। तो जब बात सब्जी उगाने की हो ही रही है तो क्यों ना आज हम इसी को अपना विषय बनाते हैं। जी हाँ, आज की हमारी चर्चा का विषय यही है कि इस मौसम में यानी सर्दियों के मौसम में कौन कौन सी सब्जियां उगाई जाएं, इसका चयन कैसा किया जाए, साथ ही इनको उगाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाए। लेकिन हमेशा की तरह हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे खबरें खेती की और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। गोवर्धन पूजा से 2 करोड़ पशु के लिए चलेगा टीकाकरण। रबी फूलगोभी की नर्सरी तैयार करें। सोयाबीन के बीजों का भंडारण। ट्रैक्टर चलित रेज्ड बैंड प्लांटर। मौसम की जानकारी। प्रदेश में गोवर्धन पूजा दिवस 31 अक्टूबर से पशुपालन विभाग टीकाकरण अभियान चलाएगा, जिसमें लगभग 2 करोड़ पशुओं को विभिन्न रोग प्रतिरोधक टीके लगाए जाएंगे। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग भी प्रदेश के जलाशयों में मत्स्य उत्पादन दोगुना करने के लिए 31 अक्टूबर से ही जलाशयों में 8 करोड़ मछली के बीज डालने का अभियान शुरू करेगा, जिससे साल भर बाद 20 करोड़ मछली प्राप्ति की संभावना है, जिसका सीधा लाभ मत्स्य पालकों को मिलेगा। आप फूल गोभी की अगेती खेती करना चाहते हैं तो शीघ्र ही पौधों की रोपाई करें या अगेती प्रजातियां जैसे पूसा दीपाली, अर्ली कुआरी, अर्ली पटना, पंत गोभी 2, पंत गोभी 3, अर्ली पूसा, कार्तिकी पूसा, सिंथेटिक में से किसी एक प्रजाति का चुनाव करें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 600 से 700 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। पौध तैयार करने के लिए 8 से 10 मीटर लंबी व 1 मीटर चौड़ी क्यारी बना लें तथा खाद गोबर की सड़ी खाद डालकर खेत में मिलाने के लिए जुताई करें। बीज बोने के बाद 3/4 भाग गोबर की सड़ी खाद तथा 1/4 भाग मिट्टी मिलाकर ढक दें। इन क्यारियों की हजारे से सिंचाई करें, 4 से 5 सप्ताह बाद रोपाई के लिए तैयार हो जाती हैं। सोयाबीन बीज भंडारण करते समय हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि बीज का सही से भंडारण न किया जाए तो इसका अंकुरण भी कम हो जाता है और बीज खराब हो जाता है। बीज को सबसे पहले साफ करें, कटे व टूटे दाने व बीमार दानों को अलग कर लें, फिर बीज को अच्छी तरह से सुखाएं। बीज को सुखाने के बाद उसको ठंडा करके फफूंदी नाशक कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के मान से उपचारित करें। इससे बीज को फफूंदी जनित रोगों से बचाया जा सकता है और बीज को सूखे स्थान पर भंडारण करें। ध्यान रहे, अगर पुराने बोरों से भंडारण कर रहे हैं तो उनको भी उपचारित करना ना भूलें। इनको उपचारित करने के लिए क्लोरोपायरीफास 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसमें डुबो कर रखें, फिर अच्छे से सुखाने के बाद ही इस्तेमाल करें। ट्रैक्टर चलित रेज्ड बेड प्लांटर अन्य प्लांटरों की तरह यह भी बुआई के लिए अच्छा यंत्र है। ऐसी भूमि जहां पानी भर जाता है अथवा पहाड़ी क्षेत्र जहां फसल भूमि सतह से ऊपर मिट्टी उठाकर बोई जाती है, वहां के लिए यह प्लांटर सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें मिट्टी उठाकर बेड बनाने के लिए रीजर लगे हैं तथा इन रीजेज बुआई हेतु फरो ओपनर लगे हैं। इस यंत्र में खाद या बीज के लिए अलग अलग बॉक्स दिए गए हैं। यंत्र की कीमत लगभग 35,000 रुपये है तथा कार्य क्षमता 0.6 हेक्टेयर प्रति घंटा है। रेज्ड बेड प्लांटर का फायदा यह है कि खेत में पानी ज़्यादा होने पर नाली से बाहर निकल जाएगा और अगर सिंचाई करना हो तो इन्हीं नालियों द्वारा सिंचाई करना संभव है। मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि खेत खाली होने पर दिन का तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो सरसों, तोरिया, स्वीट कॉर्न एवं बरसीम की बोनी की जा सकती है। तिल, मूंग, उड़द की पकी फसल की कटाई करें। देर से बोई गई सोयाबीन, मूंग एवं उड़द की फसलों में फली से दाने भरने की अवस्था में यदि फली छेदक कीटों का प्रकोप हो तो कीटों के रोकथाम हेतु टाइजोफास 40 EC 800 ml प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में बस इतना ही। आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आइए सबसे पहले जानते हैं धान के प्रति क्विंटल भाव।
बालाघाट में न्यूनतम 1293 रुपए, अधिकतम 1460 रुपए, बिछिया में न्यूनतम 1475 रुपए, वही अधिकतम भी 1475 रुपए रहा। जबलपुर में न्यूनतम 1290 रुपए, अधिकतम 1450 रुपए। डाबरा में न्यूनतम 1512 रुपए, अधिकतम 1600 रुपए रहा। अब जानते हैं गेहूं के प्रति क्विंटल भाव। अजयगढ़ में न्यूनतम 1625 रुपए, अधिकतम 1650 रुपए। अनूपपुर में न्यूनतम 1600 रुपए, वही अधिकतम भी 1600 रुपए रहा। धामनोद में न्यूनतम 1716 रुपए, अधिकतम 1720 रुपए। डिंडोरी में न्यूनतम 1526 रुपए, वही अधिकतम भी 1526 रुपए रहा। आइए अब नजर डालते हैं सरसों के प्रति क्विंटल भाव पर। जबलपुर में न्यूनतम 3000 रुपए, अधिकतम 3726 रुपए। सतना में न्यूनतम 3600 रुपए, अधिकतम 3963 रुपए। श्योपुर कला में न्यूनतम 4000 रुपए, अधिकतम 4151 रुपए। सागर में न्यूनतम 3475 रुपए, वही अधिकतम 3625 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, आपका फिर एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि आज हम चर्चा करेंगे कि सर्दियों के मौसम में कौन कौन सी सब्जियां उगाई जाएं, साथ ही इनको उगाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए हैं डॉक्टर MS परिहार जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि अनुसंधान केंद्र ईंटखेड़ी में। तो परिहार जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, नमस्ते जी। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं परिहार जी की, सर्दियों का मौसम यानी कि ढेर सारी सब्जियां, जी, तो इस मौसम में चयन कौन कौन सी सब्जियों का किया जाए जिसको उगाकर हमारे किसान भाई अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैडम आपने खुद कहा है कि मौसम राजा मौसम होता है सर्दी का। बहुत किस्म किस्म की सब्जियां, मुख्य रूप से सब्जियों का राजा जो आलू है वो इसी मौसम में होता है। बैगन, टमाटर, मिर्ची, पालक, मेथी, धनिया, मूली, गाजर और तमाम किस्म की हरी पत्तियों वाली सब्जियां, मुख्य रूप से चौलाई है, मेथी है, पालक है, और जड़ वाली सब्जियों में भी आपका प्याज भी होता है इस मौसम में। प्याज के साथ साथ मतलब लहसुन भी होता है, अदरक भी होता है। सब्जियों का चयन हमने कर लिया, बिल्कुल। अब इसके लिए खेत की तैयारी कैसे की जाए? खेत की तैयारी के लिए सबसे अच्छा ये है कि बरसात में चूंकि काफ़ी खरपतवार क्षेत्रों में होते हैं, खेतों में होते हैं, तो पहले एक बार कल्टीवेटर से उसका जुताई कर देना चाहिए, फिर 2-3 दिन बाद
उसको फिर से मतलब जो है उसकी पस्तार करना चाहिए और करीब करीब दो बार पाटा चला के खेत को समतल कर लेना चाहिए। पाटा चलाने से मुख्य अभिप्राय ये है कि उसका जो भी मतलब जो है पानी का कंजर्वेशन है वो उसमें होगा और एक्चुअल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिट्टी में बनी रहेगी, जल धारण क्षमता उसका ठीक रहेगा और उससे मतलब जो है वो हम जो भी फसलें लगाएंगे उसमें मतलब जो है वो भरपूर नमी रहेगी तो वो जल्दी से जल्दी जमीन उसका जड़ पकड़ लेगी। जी। डॉक्टर साहब आपने बताया कि किस तरीके से खेत की तैयारी करनी है। अब खेत हमारा तैयार है जी, तो आप बताएं कि बीजोपचार कितना आवश्यक है इस समय? सबसे आवश्यक है जिस तरीके से बच्चे का हम लालन पालन करते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कई किस्म के टीके लगाए जाते हैं, उसी तरीके से बीज को बोने से पहले बीज उपचार करना नितांत आवश्यक है। वो दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो रासायनिक विधि से, एक जैविक विधि से। अगर जैविक विधि से आप करना चाहें तो आपके घर में जो मट्ठा उपलब्ध होता है उसी में आप हींग को घोल के और मतलब जो है उसको कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसकी सोइंग कर सकते हैं, मतलब बोनी कर सकते हैं। और रासायनिक विधि से अगर करना है तो कई किस्म के रासायनिक पदार्थ मतलब जो है वो उपलब्ध होते हैं, मुख्य रूप से कार्बन डाइजन, मैनक्रोजेब, बेबस्टीन, तो ये जो है करीब करीब जो है वो 1 से 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इन पे हल्का सा पानी छिड़क के और ये पाउडर डाल के और उसको बराबर मिला के और रख देना चाहिए। खास तौर से कंद वाली जो चीज़ें लगाने की होती हैं उनको इसी तरीके के रासायनिक मिक्सचर में या जैविक मिक्सचर में आधा घंटे के करीब डोब के और उनको लगाना चाहिए। जी, तो किसान भाइयों जाना आपने कि किस तरीके से आपको खेत की तैयारी करनी है बुआई से पहले, और जब हम बुआई की बात करते हैं उससे पहले बीजों का जितने अच्छे से आप उपचार करेंगे उतना ही बीजों का आगे हमारे पौधों का रोग रहित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने हमें बताया कि बीजोपचार कितना आवश्यक है, जी। अब इसके बाद हमारी रोपाई हो गई, हमने बुआई कर दी है, जी हाँ। अब बुआई के बाद हमारा पौधा मतलब किस किस स्टेज पे हमें ध्यान रखना है? सबसे पहले तो किसान को इस बात का मूल रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो भी अगर वो ट्रांसप्लांटिंग उसने टमाटर का या बैगन का पौध किया है तो वो जो है वो स्वस्थ है, रोपड़ी उसकी स्वस्थ है और उसने बराबर दूरी पे लगाई है। लगाते समय विशेष रूप से ये ध्यान रहे जब वो लगाने लगे पौधशाला से उसको पौधों को निकाले तो थोड़ा सा मिक्सचर एक तसले में बना के और उसमें 10-15 मिनट उसको जड़ को रख दे, जब तक निकाल के रख दे तो उसका जो रूट जोन है उसका जो जड़ तंत्र है वो भी पूरी तरह से मतलब जो है ट्रीटेड हो जाएगा और जब वो ट्रीटमेंट हो जाएगा तो फिर उसमें किसी किस्म का मिट्टी से लगने वाला रोग नहीं लगेगा। उसके बाद दूसरी ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे ही आप पौध लगाएं उसमें भरपूर पानी दें जिससे उसको स्ट्रेंथ मिले और वो पौध खड़ी हो जाए। तीसरी बात ये है कि जैसे ही मतलब जो है वो आप देखें कि एक हफ्ते की हमारी फसल हो गई है और इसमें अगर कोई हम हरा मच्छर या सफ़ेद मच्छर या जैसे डेफिट कोई देखने में आ रहा है तो आप 2% मेलाथियन, मोनोक्रोटोफास या कोई भी मतलब जो है वो आपका इंसेक्टिसाइड लेके और वो कर सकते हैं। अगर आपको जैविक दवा बनाना है तो नीम की निबोली का मतलब जो है वो या नीम का पत्ता, चिरोल का पत्ता, अकौआ का पत्ता, धतूरे का पत्ता और मतलब जो है वो बेशरम का पत्ता, इस तरीके से कई पत्तों को सड़ा के और आप अपनी खुद की दवा बना के और उसको मतलब जैसे कि एक 10 लीटर का पंप है तो उसमें करीब 0.5 लीटर आप ये डाल दें और 9 लीटर 9.5 लीटर पानी डाल दें और उसको 15-15 दिन के अंतर से छिड़कते रहें तो वैसे भी कोई रोग बीमारी पौधों को नहीं आएगा, पौधे स्वस्थ रहेंगे। जितना पौधा स्वस्थ रहेगा उतना जल्दी उसका वृद्धि होगी, जितनी जल्दी वृद्धि होगी उतनी जल्दी उसका फूल आएगा, जब जितना बराबर भरपूर फूल आएगा तो बराबर फल लगेगा, फल ज़्यादा लगेगा तो स्वाभाविक उत्पादन और उपज उसको ज़्यादा प्राप्त होगी और वो लाभ उसको प्राप्त होगा। तो डॉक्टर साहब आप हमारे साथ आए स्टूडियो में, हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी सारी जानकारियां दी, जी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल
जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। बात गांव की, बात किसान की, जानकारी नई तकनीक की, मुलाकात सफल व्यक्तियों से, साथ में मनोरंजन और भी बहुत कुछ। ये सब मिलेगा आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में, तो देखना ना भूलें सोमवार और मंगलवार सुबह 7:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि किस प्रकार से आप सर्दियों के मौसम में अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं और आपकी जो पैदावार आपको प्राप्त हुई है, कई बार ऐसा होता है कि हमें अधिक हमें पैदावार, हम जैसे हमने प्याज का एक बहुत अच्छा उदाहरण अभी हमने सुना, तो आप परेशान ना हो, इसके बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि आपकी जो पैदावार है उससे आप अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, बस आवश्यकता है जागरूकता की। तो किसान भाइयों, जैसे कि अभी हमने बात की कि बीजोपचार कितना आवश्यक है, अभी हमें हमारे एक्सपर्ट ने बताया, तो आज हम इसी सिलसिले में थोड़ी और बात करते हैं। यदि हम पौधे को, जब भी हम बुआई की बात करते हैं, तो बीजों को उपचारित करके यदि आप बुआई करते हैं, तो ना केवल अपने पौधों को कीट एवं व्याधियों से बचा सकते हैं बल्कि अच्छी पैदावार भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसी विषय पर लेते हैं कुछ और जानकारी हमारे विशेषज्ञ से। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेश कुमार। बीज उपचार का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत अच्छा सिद्धांत है, वो सिद्धांत है FIR। F का मतलब बीज को सर्वप्रथम, सबसे पहले हमें फफूंदनाशक दवा से उपचारित करना है, उसके बाद कीटनाशक से उपचारित करना है और सबसे अंत में कल्चर का उपयोग करना है। कहने का मेरा आशय कि ये बीज है, इस बीज के ऊपर पहली परत हमारी फफूंदनाशक की हो, लगी हो, उसके ऊपर दूसरी परत हमारी कीटनाशक की हो, सबसे अंत में कल्चर का उपयोग हो। ये बीज उपचार निर्भर करता है कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, हमारे क्षेत्र में समस्याएं क्या हैं, समस्या को दृष्टिगत रखते हैं हम सुनिश्चित करें कि बीज उपचार हो। बीज उपचार में किसान भाइयों बहुत अच्छा विषय है, लेकिन सबसे बहुत महत्वपूर्ण है कि बीज उपचार के हमें सावधानियां किन किन बातों को अपनाना है। पहली चीज़ कि हम बंद कमरे में बीज उपचार सुनिश्चित ना करें। खुला मौसम में, जिस मौसम पर हम बैठे हैं, खुला घर हो, खुला मकान हो, किसी पेड़ की छाया के नीचे हम बीज उपचार करें, ताकि जो उसका रसायन का प्रभाव हमारे शरीर पर जाना जा सकता है वो ना जाने पाए। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी हम बीज को उपचारित करें, तो ये हमारे कुछ ग्लव्स हैं, नाखून हम देख सकते हैं, अगर हम सीधे उपचारित करते हैं तो नाखूनों में जो दवा है नाखूनों में जाएगी, और इसके बाद इसको हम धोने के उपरांत भी दवा नहीं निकलती। और जैसे भोजन हम करते हैं, कुछ खाते हैं, वो भोजन के साथ साथ ये दवा हमारे शरीर में जाती है जो हमें नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आवश्यक है कि बीज उपचार करने से पहले हम ग्लव्स का जरूर इस्तेमाल कर लें, और इन ग्लव्स को लगाने के उपरांत अगर आप देखें तो कोई भी कीटनाशक आपके उसके अंदर नहीं जा सकता। तीसरा एक और चीज़ है, जहाँ से रसायन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, वो है हमारी सांस। जब हम बीज उपचार करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस को कैसे सुरक्षित रखें, उसके लिए किसान भाइयों ये मास्क है, ये एक मास्क है। इस मास्क को सीधे आप ऐसे लगा सकते हैं और लगा के बीज उपचार करें, तो हमारा बीज उपचार सुरक्षित होता है, हमारे शरीर पे कोई असर नहीं आएगा और बीज हमारा सुरक्षित उपचारित होगा, टीकाकरण अच्छा होगा, और जब टीकाकरण होगा अच्छा तो कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होगा और उत्पादन भी उसको अच्छा प्राप्त होगा। आइए हम देखें किसान भाइयों कैसे बीज उपचार करना है। तो बीज को डाले किसान, यहाँ पर डालिए, नहीं पूरा डाल दीजिए, मास्क लगाइए आप। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ग्लव्स को चढ़ाएं, ग्लव्स लगा हो, और जो व्यक्ति बीज उपचार कर रहा हो, जो किसान भाई बीज उपचार कर रहा हो, आवश्यक रूप से मास्क लगा लें, ताकि नाक से जो सांस हम लेते हैं उससे दवा हमारे शरीर के अंदर पे ना जाने पाए। सबसे पहले मैंने बताया था कीटनाशक से, फफूंदनाशक से उपचारित करना है, तो ये हमारा फफूंदनाशक है जो कार्बोक्सिन प्लस थायरम है, इसकी 2 ग्राम मात्रा 3 ग्राम मात्रा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त है। आपका कार्बेंडाजिम उपयोग करना चाह रहे किसान भाई तो 1 ग्राम मात्रा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त है। तो इस दवा को ले लें, अब इसको आप अच्छे से मिला दें तो देखेंगे आप इसमें कि एक परत जो है बीज में चढ़ जाती है, तो आप देख सकते हैं कि एक हल्की परत इस बीज के ऊपर फफूंदनाशक दवा की चढ़ गई है। जैसे इसको हम उपयोग करेंगे, कम से कम 20 से 25 दिन तक हमारी फसल को ये सुरक्षित रखता है। दूसरे नंबर पे कीटनाशक का इस्तेमाल करना है, और इसके बाद सबसे अंत में कल्चर का इस्तेमाल करना। कल्चर पर
अगर गेहूं फसल की हम बात करें तो दलहन नतजन के प्रबंधन के लिए नतजन का ज़्यादा उपयोग पौधे को मिले, ज़्यादा स्थिरीकरण नतजन का हो, वायुमंडलीय नतजन का, तो एजोटोबैक्टर कल्चर का हमें इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ साथ जो हमारा PSB है उस कल्चर का उपयोग करना है। इसके लिए आवश्यकता ये है कि ये जो लिक्विड कल्चर है इसका उपयोग करें। 5 ml मात्रा 100 ml मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। 1 एकड़ में जितना बीज बोना है उसको 100 ml मात्रा से उपचारित कर दीजिए तो इसका उपयोग होता है। ये करता क्या है PSB कल्चर, इस कल्चर के उपयोग से जो मिट्टी में स्थिर जीवाणु हो चुका है, जो फास्फोरस स्थिर हो चुका है, उस स्थिर फास्फोरस को अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील रूप में लाता है और पौधे को उपलब्ध कराता है। तो इस तरह से इनका उपयोग हम करके अगर इनका उपयोग करते हैं एजोटोबैक्टर और PSB का तो फायदा होता है फसल में अच्छा सा। अगर एजोटोबैक्टर की बात करें तो दलहनी जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको स्थिर करता है, पौधे को उपलब्ध कराता है। PSB जो मिट्टी में फिक्स हमारा फास्फोरस है उसको उपलब्ध कराता है पौधे को, और पौधा ज़्यादा अच्छी पैदावार करता है, उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। मेरा मानना है कि किसान भाई ये बहुत छोटी सी तकनीक है जिसका उपयोग करके, अभी हम जब बात करते हैं कि आप ये लगाएंगे तो ये मिलेगा, बीज उपचार तकनीक ऐसी है जिसके इस्तेमाल करने से लागत भी कम होती है, उत्पादन भी किसान भाई अच्छा प्राप्त होता है। जैसे मैं चना फसल की बात कर रहा था कि खड़ी फसल पे अगर उकठा रोग आ गया है तो उस रोग का प्रबंधन करना बहुत मुश्किल है। उस प्रबंधन के लिए आवश्यकता इस बात की कि शुरुआत से हम प्रबंधन के उपाय इस्तेमाल करें। उस प्रबंधन के लिए हमें शुरुआत में अगर हम बीज उपचार करते हैं, प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करते हैं तो प्रबंधन अच्छा होता है, उचित होता है, बाद में समस्या नहीं आती। आवश्यकता इस बात की है कि रबी फसलों की बुआई से पूर्व हम सुनिश्चित करें कि बीज उपचार आज सही तरीके से हो। FI तरीका जो हमारा सिद्धांत है, फफूंदनाशक फिर कीटनाशक फिर कल्चर, इनके माध्यम से अगर उपचार बीज उपचार होता है तो फसल अच्छी होगी, कीड़े बीमारी का प्रकोप कम होगा, हमें फसल की बढ़वार अच्छी हो जाएगी, उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा। मेरा मानना है कि किसान भाई रबी फसलों की बुआई से पूर्व 100% सुनिश्चित करेंगे कि हमारी फसलों का बीज उपचार हो, बीज उपचार के उपरांत ही हम फसलों की बुआई सुनिश्चित करें। धरती पर अवतार बनकर जन्म लेते हैं कुछ ऐसे जाबाज, ये जज्बे और जुनून से खुद लिखते हैं अपनी तकदीर। ऐसे किसानों की गौरव गाथा देखिए कदमों में आसमां हर गुरुवार रात 9:30 DD किसान पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना, हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने, हर शुक्रवार रात 9:30 DD किसान पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। गर्व भारत के विकास का। गौरव प्रगति के विश्वास का। चेहरा भारतीय किसान का। परचम भारत की शान का। DD किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। आज का हमारा ये अंक आपको कैसा लगा हमें अपने पत्रों द्वारा ज़रूर बताइए। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462013। इसी के साथ साथ किसान भाइयों, यदि आप हमें ईमेल लिखना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन भोपाल MP@gmail.com। तो किसान भाइयों, अब समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं,
आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कृषि संबंधी कुछ और जानकारियों के साथ।